हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 33 में बिजली निगम द्वारा बिजली के नए कनेक्शन पर रोक लगाने के विरोध में सेक्टरवासी हुड्डा कार्यालय के बाहर अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सेक्टर 33 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से गुरुवार को ये अनशन शुरू किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान राजपाल नैन खुद भी अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि हुड्डा और बिजली विभाग के तालमेल की वजह से सेक्टरवासियों को परेशानी हो रही है। न नए कनेक्शन मिल रहे हैं और न ही पुराने अस्थायी कनेक्शन को स्थायी किया जा रहा है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना और वो भी एक सेक्टर में जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बहुत बड़ा प्रजा के साथ, जनता के साथ अन्याय है। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं को लेने के लिए लड़ाई है, और जब तक हमें विभाग लिखित रूप में ये आश्वासन नहीं देता कि ये तानाशाही रवैया और ये तानाशाही ऑर्डर जो जारी किया गया है कि आपको बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, वापस नहीं लेते, तब तक हम आमरण अनशन पर अनवरत बैठे रहेंगे। हमें आज हुड्डा विभाग की जोर जबरदस्ती जो बिजली कनेक्शन नहीं देने के कारण यहाँ आमरण अनशन शुरू कर, हमने सेक्टर में लोग इसी सोच के साथ प्लाट लेते हैं कि कॉलोनी की बजाय या जो अवैध कॉलोनी है उनके मुकाबले में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बिजली है, पानी है, सड़क है। हुड्डा ने 2017 में पोजेशन दे दिया था कि आपको सारी सुविधाएं दे दी गई, आप मकान बनाइए सेक्टर में, लेकिन आज जो हालात है हुड्डा की, बिजली बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी कर दी हुड्डा के नाम से कि सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, इसलिए जो सेक्टर में प्लाट धारक हैं उनको मकान बनाने के लिए और जिन्होंने मकान बना लिए उनको स्थायी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर इनकी आपसरी की कोई इंटरनल कोई कमी है तो डिपार्टमेंट हैं, दोनों आईएएस सत्र के अधिकारी इनके पास हैं, मुख्यमंत्री जी के पास हुड्डा डिपार्टमेंट है, आपसरी में बातचीत कर लेनी चाहिए। सेक्टर वासियों ने जिस प्रकार से पोजेशन हुड्डा ने दिया है उसी के अनुसार ये जो सुविधाएं हैं ये देनी चाहिए। जब तक बिजली के कनेक्शनों को रिटर्न में आदेश देने के आदेश नहीं कर दिए जाते तब तक हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए चाहे हमें जान भी क्यों न देनी पड़े, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी और संबंधित अधिकारी होगी। ना अभी हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया, 20 तारीख को जरूर मीटिंग हुई थी, उसमें दोनों विभागों के SC भी थे, SN भी थे, SDO भी थे, IES मान जो हुड्डा प्रशासक है उसकी अध्यक्षता थी और उस अध्यक्षता में उन्होंने रिटर्न में दिया था कि आपको कल से ही 21 तारीख से ही बिजली के कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आज 10 दिन गुजरने के बाद भी किसी को बिजली का कनेक्शन जारी नहीं किया गया।